जय गुरु देवरी साहब, हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा रूम करना है ठीक ठाक, और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश आई थी अभी, वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए अभी सड़क आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी पीछे, मतलब अभी इतनी खतरनाक वाली आई थी और अभी बस जस्ट रुकी है। और जो हमारा सावन लहरिया महोत्सव का प्रोग्राम था वो हो चुका है पूरा, आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिए होंगे। मैंने दो पार्ट में उसके ब्लॉग डाले हैं, मतलब सेकेंड वाला तो मैंने अभी अपलोड किया है और उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने फर्स्ट बार अपलोड पे लगाया और फिर अपलोड हुआ तो कॉपीराइट आ गया, तो फिर मैंने वापस से अपलोड किया तो वो अभी आया। आज तो ब्लॉग भी लेट आया था, सेकेंड पार्ट है जो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि हमारा इवेंट का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, हमारा इवेंट कैसा लगा सावन महोत्सव लहरिया का। और इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी समाज की महिलाओं द्वारा ये फर्स्ट इवेंट था। बाकी तो सब जगह होते ही रहते हैं, मतलब जैसे सूरत में हो गए, वहाँ तो हर जगह पे जैसे अलग अलग एरिया में होते हैं, और जोधपुर में भी है। तो पिया भी पार्टिसिपेट करने वाली है, मैंने उसको बताया कि बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी फर्स्ट बार जाएगी। वहाँ पर तो हर साल होता है लेकिन वो भी इस बार फर्स्ट बार इवेंट में जाएगी। उसने भी डांस में भाग लिया है, मैंने उसको इतना बताया था ना कि इतना अच्छा लगता है, ऐसे में पार्टी जाना चाहिए, मज़ा आता है, तो उसने भी इस बार अपना नाम लिखवाया, तो वो भी जाने वाली है। उनके तो अभी तक टाइम है, 20 तारीख वाला प्रोग्राम उसमें वो जाएगी। तो बस सब हो चुका है हमारा डेली रूटीन शुरू, और लहरिया के जो ब्लॉग थे वो मैंने अपलोड भी कर दिए। आई होप आप सब लोगों को अच्छे भी लगे होंगे। और अभी बच चुके हैं 10, तो बस ये रूम क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे आज बहुत से लेट हो गया, एक बार ब्लॉग को अपलोड पर लगाया इसलिए। और क्या होगा, पूरे दिन करेंगे आप लोगों के साथ में शेयर। दो दिन से तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि इवेंट पूरा हो गया ना, इसलिए ऐसा मन नहीं लग रहा था कि नहीं तो इतने दिन तो एक्साइटेड थे कि हमारे यहाँ पे इवेंट है, फिर पूरा होने के बाद में ऐसा ही होता है। जिनके यहाँ पे न्यू है वो लोग तो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, और हमारा तो हो गया, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ। तो आप लोग भी बने रहना हमारे आज के ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच की तैयारी, और लंच में हम लोग बना रहे हैं कंकेड़े की सब्ज़ी, जो अब हमारे घर पे डेली बनती है, मतलब ये तो सीजन की सब्ज़ी है, बारिश के सीजन में ही आती है, तो अभी हम लोग ये डेली बना रहे हैं जैसे भिंडी बनती है वैसे ही। तो सब्ज़ी ये बनने के लिए रख दी, और बच्चों को कहाँ कंकेड़े पसंद आते हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर हमने मटर पुलाव भी बना दिए, और यहाँ पर ये देखिए आलू की सब्ज़ी बनाई। तो लंच हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किसूड़ा आ चुका है स्कूल से, और आते ही खाना खाते ही कितने बड़े काम पे लग गई है किसू। और मैं लगा रही हूँ पोछा बिकॉज हाउस हेल्पर आज भी नहीं आई। तो यहाँ पे इसके कितने सारे फूल लगे ये देखिए इस पॉट के, और मासी निकाल रही है झाड़ू। तो अब आती है लंच की बारी। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए लंच ले लिया, आलू की सब्जी, कंकेड़े की सब्जी और साथ में रोटी जो बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फाइनली मेरा लंच हो चुका है, और आज लंच में मेरी दोनों ही फेवरेट सब्जी बनी थी, आलू की सब्जी और कंकेड़ा की सब्जी, दोनों ही मेरी फेवरेट है। और भाकरी तो हमने रात में बनाई थी तो वो भी आलू की सब्जी के साथ में अच्छी लगती, इसलिए मैंने एक ले ली थी, पड़ी थी इसलिए। तो बस मैं अभी आ चुकी हूँ हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर, उसका रीज़न ये है कि जो इस फ्लोर पर काम करने आते वो वाले भी हाउस हेल्पर नहीं आए आज, तो नीचे वाले फ्लोर वाले भी नहीं आए और इस फ्लोर वाले भी नहीं आए। तो बस नीचे का तो झाड़ू पोछा वगैरह हमारा मतलब पूरा काम हो चुका है, हमने लंच भी कर लिया, बर्तन वगैरह क्लीन, गैस मासी अभी साफ कर रही है, और मैंने ले लिया ये हाथ में झाड़ू। मैंने सोचा चलो इस वाले फ्लोर वाले नहीं आए तो यहाँ से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोछे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, गंदा नहीं होता है। उन्होंने यहाँ पे परसों पोछा लगाया था, कल लगाया था वहाँ ऊपर जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो बस गंदा नहीं है इसलिए मैं खाली झाड़ू निकाल दूँगी। तो मैं फटाफट से यहाँ से झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी दूर मोबाइल में कुछ देखूँगी, उसके बाद में करेंगे रेस्ट। चाय हमने पी ली, अब हम लोग बनाएंगे मेथी का गोटा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने हरी मेथी ली है, और यहाँ पे मेथी को हमने काट लिया। गुजरात में तो इन्हें मेथी का गोटा ही बोलते हैं, मतलब आप पकोड़े भी बोल सकते हैं। तो बस अब इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ी सी सूजी ली, और इसमें डाली पीसी हुई काला मरी, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया इसमें तिल। ये सब अपनी अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड करते हैं, तो हमारे घर में जैसे बनते हैं वो मैं बता रही हूँ। हमने यहाँ पर अजवाइन ऐड की, और अब इसमें हमने ऐड किया हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम शक्कर, क्योंकि ये
मीठे होते हैं, इसलिए मेथी कड़वी होती है तो इसमें थोड़ी शक्कर ऐड करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया और यहाँ पे सूखा धनिया, सूखा धनिया ऐड करने के बाद में इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा जिसमें लहसुन कूटते उसमें कूट लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दी जो मेथी हमने काटी थी, उसको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद में हाथ की सहायता से जो बेसन है और मसाले ऐड किए उसमें इस मेथी को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम पहले हल्दी डालना भूल गए थे तो अब यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी। और यहाँ पे ये ऐड किया हमने गरम तेल, क्योंकि हमने पैन चढ़ा दिया और तेल गरम होने लग गया, तो तेल गरम हो गया तो फिर इसमें तेल ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून जितना। अब यहाँ पे हमने सोडा लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाला और अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो बैटर की क्वांटिटी हमने कुछ इस तरह से रखी थी। तो यहाँ पे ये देखिए तेल गरम हो चुका है, इसको चेक करने के लिए यहाँ हमने 2 पकोड़े भी अंदर डाल दिए। तो बस तेल गरम हो गया, ऐसे बैटर में से जैसे पकोड़े बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, थोड़े से गोल होते हैं, तो इन्हें यहाँ पे बोला जाता है मेथी का गोटा, जो खाने में सच में बहुत टेस्टी भी लगते हैं और अच्छे भी होते हैं और झटपट से भी बन जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे मेथी के गोटा बन के हो चुके हैं रेडी। तो मेथी के गोटा मतलब मेथी के पकोड़े भी बोल सकते हो बन के रेडी हो चुके हैं और जो लोग भी घर में हैं उन्होंने खा भी लिए। और इसको देखो चटोरी को हमारे ये नकटी कृष्णा हो गए। चटोरी तो पहले थी और नकटी, अपनी डिश बताना और एक मिनट में बताती हूँ। ये देखिए किसू की डिश, इसमें आपको ये केले की वेफर दिखाई दे रही होगी। तो इसको मेथी के गोटा नहीं खाना है जो अभी गरम गरम नाश्ता बना है और ये खा रही है केले की वेफर। क्यों किसू ऐसा? मुझे अच्छे लगते गोटे। देखा मुझे अच्छे नहीं, गोटा खाएगी तो ऐसे गोटे गोटे जैसी हो जाएगी, नहीं तो केले की वेफर खा खा के इतनी पतली रहेगी, फिर चलेगा ऐसा? और अभी मेरे इसके बाल बिखरे हुए हैं, अभी ये ट्यूशन जाएगी तो रेडी होगी, छुट्टी करके जाना अच्छे से है। और ये काले काले डरावने से बादल, तो अभी अभी बजी कुकर की सीटी और कुकर में क्या उबल रहा है, मतलब सीटी क्यों बजी वो बताएगी मेरी मासी। मासी बताओ कुकर में क्या उबल रहा है? कुकर में वो अपनी दाल, सबकी प्यारी मतलब गोटा खा लिए और शाम को अब दाल पियेंगे, सेहत के लिए अच्छे हैं। हाँ और मासी, हाँ तूने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया ब्लॉग में, मतलब 2 दिन लहरिया महोत्सव के हो गए उसके बाद में कोई ब्लॉग बनाया नहीं, आज ही बन रहा है सीधा। और आज भी मुझे पता है इतना अटपटा सा लग रहा है, वो हो ही नहीं रहा है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि 2 दिन से एकदम शांति थी, कुछ बनाया ही नहीं, इसलिए। तो तेरा एक्सपीरियंस बता कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया प्रोग्राम में, सबको इतने जनों को मिले। और अब 2 दिन मन उदास रहा, ऐसा लगता है कि भाई पहले तैयारी कर रहे थे कि ये डांस करें वो डांस करें, कितने दिन तो इसमें निकल गए हैं। और फाइनली डांस का भी मासी का लास्ट दिन ही फाइनल हुआ था कि मुझे कौन से, हाँ फिर वहाँ पे जाके मासी ने कर लिया। और अभी यहाँ पे ये फोटो हम लोग वहाँ पे लेके गए थे तो मासी यहाँ से हार हटा रही थी, पूरे निकल गए मेरे। मन भी नहीं लगा था ना 2 दिन तो मासी, क्योंकि इतने दिन वहाँ गए, मतलब वहाँ नहीं गए, मन में वो था ये डांस करना है, ड्रेस आ गई, प्रोग्राम है लेकिन अब वापस से गाड़ी पटरी पे चलने लगेगी, वही रूटीन। और अच्छा मासी, इस बार सब लोगों ने कहा कि फर्स्ट इवेंट हमारा अच्छा रहा, तो बस अब ऐसे हम इवेंट और अब करते भी जाएंगे, जैसे फागोत्सव हो गया सावन का तो था ही, अब नेक्स्ट आएगा हमारा होली के, होली पे फागोत्सव आएगा। तो चलो दाल बना लेते हैं। फाइनली अभी तक का जो मेरा काम था उससे मैं हो चुकी हूँ फ्री और अब मैं करूँगी डिनर। तो यहाँ पे डिनर में पता ही हमने बनाई है दाल, तो मैंने रोटी ली, उसको अच्छे तरीके से चूर लिया देसी स्टाइल में और ऊपर से अब मैं इसमें दाल ले लूँगी। और साथ में हमने थोड़ी सी हरी मिर्च भी बनाई है बेसन वाली, तो वो भी मैंने ले ली और एक खीरा काकड़ी। तो बस अब मैं अच्छे से शांति से करूँगी डिनर। 2 दिन से थोड़ा सा मन उदास था क्योंकि इवेंट था जो हो गया पूरा, इसलिए, लेकिन कोई नहीं, हमने खुद को वापस से अब अपने कामों में कर लिया है व्यस्त। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो आप लोग भी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से हमारे पूरे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।